अपना अपना लोकतंत्र के बीच एक तंत्र बेरोजगारों का भी है, जिनके पास डिग्री है ऊंची लेकिन योग्यता मुताबिक पक्की नौकरी की तलाश लंबी होती गई। नतीजा हरियाणा के पानीपत में दिखता है, जहां आठवीं पास काबिलियत वाली नौकरी के लिए MBA इंजीनियरिंग MA MCOM पास बेरोजगार पहुंचे। घर से दही शक्कर खाकर आए लाइन में खड़े हरियाणा के ये वो युवा हैं जिन्होंने बचपन से सुना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जीवन भर ये युवा पहले स्कूल कॉलेज का बैग कंधे पर टांग कर पढ़ते रहे, अब किस्मत घिस रहे हैं एक नौकरी के लिए। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, हम कहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि दिल में ना जाने कैसे सपने लेकर आए इन बेरोजगारों के लिए आपकी दस्तक जरूरी है। जो बैग ये अपने साथ लेकर आए उसमें कई शिक्षाओं की डिग्री लेकर रखे हैं, लेकिन हकीकत ये कि हरियाणा के पानीपत में जिला कोर्ट में चपरासी के सिर्फ 6 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 1,666 बेरोजगारों के बीच चुनाव होगा। दस्तक देती चिंता पैदा करने वाली बात यह कि जिस पद के लिए आठवीं पास योग्यता मांगी गई, वहां MBA MA BA BSc BCOM पास युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। मैंने MBA फाइनेंस HR से कर रखी है, मेजर मेरा फाइनेंस था, माइनर मेरा HR है, ठीक है। और मेरा सर 9 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस 7 साल का मेरा एक्सपोर्ट हाउस में है और 2 साल का मेरा HDFC बैंक में है। आप कुछ समझदार हो सर, समझ भी सकते हो कि मैं 9 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज भी मेरी यही मेंटेलिटी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में ना इनसिक्योर फील करता हूँ। प्राइवेट नौकरी में असुरक्षा का भाव पढ़े लिखे युवा को अब सरकारी नौकरी की लाइन में खड़ा करता है, तो बीकॉम पास युवा भी एक नौकरी के लिए लाइन में बैठे मिलते हैं। बीकॉम चल रही है मेरी, अब देखो इंटरव्यू देते हैं क्या होता है, देखते हैं जी क्या होता है, अपनी तरफ से तो पूरी हिम्मत कर रहे हैं। हरियाणा वो राज्य है जो बेरोजगारी के पैमाने पर देश में टॉप 3 राज्यों में रहता आया है। क्या इसी वजह से ज्यादा शिक्षा जिनके पास है वो और अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करने की जगह आठवीं पास योग्यता की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं? किस पोस्ट के लिए आप यहां गए? PN की। कितने पढ़े लिखे? BA। सर लोग बेरोजगार इतने हैं कि नौकरियां है ही नहीं है, तो हमें करनी पड़ रही है। कोई भी मिले पर मिल जाए? मिल जाए बस, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके अच्छे से, उनकी लाइफ बना सके। हमारी तो लाइफ बनी नहीं, हम बच्चों की तो बना सके। चिंता सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये भी है कि क्या शिक्षा का स्तर युवाओं को योग्य नहीं बना पा रहा, जहां पढ़े लिखे होने के बावजूद कम स्किल वाली नौकरी के लिए नौजवान खड़े हैं। एक पोस्ट के लिए कितनी दुनिया आई हुई है, कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, 6 पोस्ट है। कल भी 750 से 800 के बच्चे कैंडिडेट आए थे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, आज भी 1000 प्लस तो हद से ज्यादा ही है, ठीक है। और अभी कंटिन्यू 4-5 दिन और चलने हैं इंटरव्यू। कोई भी सरकार आ जो गरीबों के लिए तो एक जैसी है, क्या कह सकते, कुछ नहीं हो सकता, जो मिले तो जब मानते हैं, नहीं तो सभी वादे करें। एक रिसर्च कहती है कि कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के बीच दिखती है। सरकारी नौकरियों में देरी से होने वाली भर्ती, प्राइवेट नौकरी में अस्थिरता के संकट के बीच पढ़ा लिखा युवा अगर यूं एक पद के लिए हजारों के बीच जूझता दिखेगा, तो जरूरी है कि योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाए और खाली पदों को भरने में तेजी दिखाई जाए। प्रदीप कुमार, पानीपत आज तक।